700 rupees के. आ जाते हैं अपने इंडियन स्टाइल में. यहाँ का एक रात का टैरिफ. ताज होटल आया हूँ मैं स्पेसिफिकली मकबैंग शूट करने. मतलब मैंने यहाँ एक दिन का स्टे बुक करा है अपना. जिस किसी को नहीं पता, मैंने व्लॉगिंग चैनल भी ओपन किया है जहाँ आपको इसका पूरा इन डेप्थ रिव्यू मिल जाने वाला है. फिलहाल मैं अभी अपने मकबैंग चैनल के लिए शूट कर रहा हूँ, तो मैं आपको बताया था कि इनका मेन्यू था पीडीएफ फॉर्म में, और उस पीडीएफ से मैंने थोड़े बहुत आइटम सेलेक्ट करके अपने लिए इस नोट पैड में लिख लिए हैं. मैं आपको एक बारी ब्रीफ दे देता हूँ. सो मैंने आज ऑर्डर कर रखा है समोसा 700 रुपीज़ का, काठी रोल 900 रुपीज़ का, पिज्जा मार्गरीटा 950 रुपीज़ का. बिकॉज आई एम अ पिज्जा लवर, तो डेफिनेटली ताज आया हूँ तो यहाँ का पिज्जा ट्राई करना तो बनता ही है. एक पनीर लबाबदार 1000 रुपीज़ का. अब मेरे को लिटरली पनीर लबाबदार सस्ता लग रहा है एज कम्पेयर टू समोसा जो 700 रुपीज़ का है, और काठी रोल जो 900 रुपीज़ का. और ये सभी चीज़ें वेजिटेरियन है क्योंकि टैटू की वजह से मुझे नॉन वेज अलाउ नहीं है. बाकी एक बटर नान 250 रुपीज़ की, एक गार्लिक बटर नान अगेन 250 रुपीज़ की, एक विस्ता की बिरयानी 950 रुपीज़ की, एंड दिस पर्टिकुलर आइटम वॉज रिकमेंडेड बाय द शेफ हिमसेल्फ, और एक डेड पैनकेक विद आइसक्रीम 875 रुपीज़. लेट्स सी खाना कैसा आता है. आई एम रियली एक्साइटेड. ताज में पहली बार बैठा हूँ मैं, पहली बार स्टे कर रहा हूँ, पहली बार इनका खाना ट्राई कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली फीलिंग नाइस. बाकी ये पीछे अगर दिन के टाइम पे मैं शूट कर रहा होता तो एक काफ़ी अच्छा व्यू आपको मिलता, एक पूरा सी व्यू आपको मिलता यहाँ से. बाकी इस रूम का इन डेप्थ रिव्यू आपको मेरे व्लॉगिंग वाले चैनल पे मिल जाएगा. फाइनली अपना खाना आ चुका है. ऑलमोस्ट क्या, 7000 का ये 6933 का बिल आया है. पॉज करके अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो कि किस आइटम का क्या रेट है. डाइट कोक देखो है नहीं, और मंगाने की मेरी हिम्मत भी नहीं हुई. वेरी ऑनेस्ट, डाइट कोक नहीं है तो क्या हुआ, ताज का पानी पियेंगे आज डाइट कोक समझ के. फटाफट से करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट इससे पहले कि सब कुछ ठंडा हो जाए. पिज्जा मार्गरीटा, थैंक यू सो मच गॉड फॉर दिस फूड एंड फॉर एवरीथिंग एल्स. चीज़ का बेहतरीन टेस्ट आ रहा है मोज़रेला का, ऊपर से बेजिल्स डाल रखी हैं उन्होंने, ओवरऑल बहुत ही गजब हो रहा है. कमिंग टू समोसा, ये इतु इतु से 6 समोसे 700 रुपीज़ के, सर्विस का ही पैसा है. टेस्ट में देखते हैं कैसा है. मतलब अंदर पनीर भी नहीं है, आलू ही है. वैसे ऑथेंटिक समोसा जो हुआ वो पोटैटो फिलिंग का ही होता है, पनीर वगैरह तो लोग डालने लग गए हैं. समझ नहीं आ रहा है क्या ट्राई करूं. वेज काठी रोल मुझे काफी अच्छा लगा कि ये दो आए हैं, अदरवाइज मुझे लग रहा था कि ये एक ही है 900 रुपीज का, जो कि बहुत ही बुरा हो जाता. साइज देख लो, पता नहीं या तो ताज में बैठ के खाने का फील है या क्या है, बट मुझे तो बहुत ही ज़्यादा गजब लग रहा है खाना. लेट्स फाइंड आउट स्पाइसी है कि नहीं है. नॉर्मल है, पनीर वगैरह ही डाल रहे हैं लच्छे पराठे के अंदर.
900 रुपीज़ आप इस काठी रोल का नहीं दे रहे हो, 900 रुपीज़ दे रहे हो आप इस काठी रोल को खाने का कि कहाँ बैठ के खा रहे हो। बट इसका मतलब ये नहीं कि अच्छा नहीं हो रहा, हो टेस्टी रहा है। जो इस पिज़्ज़ा वाला वीडियो मैंने कल ही रिकॉर्ड किया और आज मैं ताज में आ रखा हूँ, तो यहाँ भी मकबैंग एक रिकॉर्ड करना बनता था छोटा सा। जो ऑलरेडी चीज़ें मैं पहले खा चुका हूँ वही चीज़ें मैंने ऑर्डर करी हैं ताकि मैं कंपेयर भी कर पाऊँ उन्हें कि बाहर कैसी होती हैं और ताज के अंदर कैसी हैं। पनीर बटर मसाला गार्लिक नान के साथ, नान इतनी देर में बहुत ज़्यादा च्यूई हो चुका है। हो गजब रहा है। हाँ तो मैं ये बोल रहा था कि कल ही मैंने जोइस पिज़्ज़ा वाला वीडियो रिकॉर्ड किया है और अभी 8:30 हो रहे हैं, 10 बजे मतलब 1.5 घंटे बाद वो वीडियो मेरा अपलोड होगा यूट्यूब पे, तो इसीलिए आज के वीडियो में रीति रिवाज नहीं हो सकता। अर्ली कमेंट्स भी मैं नहीं बता सकता कौन से हैं क्योंकि मेरा वीडियो ही नहीं अपलोड हुआ है अभी तक। हरी मिर्च में मिर्च थी, बटर नान पनीर लबाबदार के साथ, ये जो आज हो रहा है आधा तो मेरे व्लॉगिंग चैनल के लिए, जिससे लोगों को ये पता चलेगा कि ताज में टैरिफ क्या है पर नाइट, खाने का क्या क्या चार्जेस हैं, खाना एक्चुअल में है कैसा, और आधा था रीज़न मकबैंग करने का। पनीर लबाबदार है ये 1000 रुपये का, 1000 रुपये का पनीर लबाबदार। मतलब ऐसा भी नहीं है कि जादू हो, बाकी लोगों के नान चुई हो जाते हैं ताज का नहीं हो रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ताज का नान चुई हो चुका है बहुत ज़्यादा, इनफैक्ट मतलब मैंने पहले भी ऐसे नान खा रखे हैं जो इतने भी चुई नहीं हुए थे। बट अगेन कि कितने हाइजीन के साथ खाना बनाया जा रहा है, शेफ कौन है जो आपका खाना बना रहा है, क्वांटिटी कितनी है हर चीज़ की। जैसे अगर इस पनीर की बात की जाए तो इसमें पनीर बहुत ज़्यादा डाल रखा है, लिटरली बहुत ज़्यादा डाल रखा है। सेम गोज़ विद चिकन, बटर चिकन हो गया, अगर बटर चिकन होता तो डेफिनेटली उसकी भी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती। बाकी अभी मैं ये सोच रहा हूँ एक ही प्लेट को गंदा किया जाए, पनीर और बिरयानी दोनों के लिए सैफ्रॉन डाल रखा है ऊपर से। ये है विस्ता वेज बिरयानी, बिरयानी
फॉर मी वेज बिरयानी जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, उसे हमारी भाषा में पुलाव बोलते हैं। इसका जो अरोमा आ रहा है ना, मतलब कैसे समझाऊँ मैं, जैसे इत्र वगैरह की स्मेल आती है ना, कसम से वैसे आ रहा है। फोर्क राइट हैंड में होना चाहिए, बट फोक मैं कोई चीज़ खाने के लिए नहीं कर रहा हूँ, एज अ सपोर्ट यूज़ कर रहा हूँ इसे। वाह, पुलाव बेहतरीन होगा पुलाव। प्रॉपर मोज़रेला का टेस्ट ना मुझे एक तो इसमें आ रहा है और एक डोमिनोज में आता है। यहाँ खाने का मतलब है कोई प्रॉपर शेफ खाना बना रहा है, आपके प्राइस उसका है, आपके रूम तक एक आलीशान ट्रॉली में खाना आ रहा है, पैसा उसका है, सर्विस। अब जोमेटो वाला एक आलीशान सी ट्रॉली लेके आपके बेड के सामने आ जाए, आपको सर्व करके दे, तो वो भी पैसा ज्यादा मांगेगा। जोक्स अपार्ट, में इन सभी आइटम को किसी से भी कंपेयर नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ का फील अलग है, यहाँ से पूरा का पूरा समुद्र दिख रहा है। यहाँ का एक रात का टैरिफ 11,500 है, 11,500 जिस रूम में मैं बैठा हूँ। एक सिंगल रूम है, एक किंग साइज बेड है, आलीशान सा बाथरूम है, आलीशान सा रूम है, चुई हो चुका है। 24 आवर्स का भी नहीं, टू बी ऑनेस्ट। चेक इन टाइम 3 बजे का है और चेकआउट टाइम 12 बजे का है, तो एग्जैक्टली 24 आवर्स भी नहीं हो। आई एम अ बिट डिसअपॉइंटेड कि नान बहुत ज्यादा चुई हो चुका है। बहुत ज़्यादा चुई, क्वांटिटी काफ़ी अच्छी है, मतलब दूर से ऐसा लगता है कि छोटा सा बाउल है, बट बिल्कुल छोटा नहीं है, काफ़ी बड़ा बाउल है। आ जाते हैं अपने इंडियन स्टाइल में, मज़ा आ गया भाई। अभी भी ये पुलाव एकदम गर्मा गर्म है, इसे खा के ना महाराजाओं वाली फील आ रही है, आप लिटरली इमेजिन कर सकते हो, मजाक नहीं कर रहा हूँ, एग्जैगरेट नहीं कर रहा हूँ, मेरे दिमाग में ना लिटरली बाइट खाते ही ना जयपुर के किले, उदयपुर के किले आ रहे हैं, क्योंकि वो मैंने देख रखे हैं। मतलब एक रॉयल वाली पुराने जमाने की फ्रेग्रेंस अरोमा। कभी अगर आप लोग आओ तो डेफिनेटली खाना।
गजब यार। स्पाइसी है थोड़ा सा। गजब यार। ये लोग इतने सारे आइटम्स डालते हैं ना एक चीज़ में, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं। और हाँ, ये खाना मैंने अपने अकेले के लिए नहीं मंगाया था, सिर्फ अगर खाने की बात की जाए तो बहुत बढ़िया है। बट ऐसा नहीं है कि ऐसा खाना आपको कहीं बाहर नहीं मिलेगा, बाहर बहुत जगह हैं जहाँ ऐसा खाना मिलता है। बट यहाँ तो डेफिनेटली इसकी एक फील तो है। खाने को यहाँ खाने की एक अलग फील तो है। अब मुझे खुशी हो रही है बहुत ज़्यादा, मेरे को नहीं पता वो ताज में रुकने की वजह से या इस खाने की वजह से, आई डोंट नो। इतना भी कोई महंगा नहीं है, मतलब पनीर मैंने देहरादून में भी 750 या 800 का खाया था आई बिलीव, जहाँ तक मुझे याद है अपने मकबैंग में, और यहाँ 1000 का है। बट जगह बदल गई है, जज्बात बदल गए हैं, सब कुछ बदल गया। अभी इन सभी चीज़ों को साइड करते हैं और पैनकेक्स ट्राई करते हैं। यार फ्रीज़र में ये आइसक्रीम रखी थी बट भूल गए कि फ्रीज़र ऑन ही नहीं किया हमने। पैनकेक के साथ आइसक्रीम में डिप करते हैं। हद से ज़्यादा मीठा है, पिघल चुकी है। खतरनाक है अभी। मन कर रहा है कि अभी के अभी यहीं सो जाऊं इसी काउच में। ये माइलस्टोन भी कंप्लीट हो गया, बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। आई होप यू गाइस एंजॉयड टुडेज़ वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग एंड आई गेट यू गाइस ऑन टू द नेक्स्ट वन। मोस्ट प्रोबेबली अब देहरादून में ही होगा मकबा। पीस।